हेलो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। मैं बना रही हूँ आज चिकन बिरयानी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये मैंने चिकन रखी है धोकर तैयार करके, और ये हमारे टमाटर प्याज और ये हमारे हरे धनिया हरे मिर्च, ठीक है। हरे मिर्च मैं सामने डालूंगी क्योंकि मेरे को मतलब बहुत पसंद है, और हर चीज़ मैंने साथ साथ रखी है कि मुझे कोई मुश्किल ना हो। और मैंने यहाँ पर ऑयल रखा है गर्म करने के लिए, इसमें गर्म मसाला डाल दिया है और इससे हमारे बिरयानी में खुशबू होगी, अच्छा टेस्ट आएगा। और जी यहाँ पर हमने डाल दिया अपने प्याज। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, उम्मीद करूँगी आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और प्लीज़ सबसे पहले मेरी यही गुजारिश है आपके साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो वीडियो है अब तक पहुँच सके। मैं डिज़ाइन की भी वीडियोज़ देती हूँ और रेसिपी की भी देती हूँ। आपकी सपोर्ट नहीं मिल रही मुझे तो मेरा दिल नहीं करता वीडियो डालने का, तो आप सपोर्ट करें मुझे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालूँगी जो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्याज भूनो अच्छी तरह से, फिर हम अपने चिकन डाल दें। और जी यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी किया और इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और जी यहाँ पर मैंने अपना चूल्हा भी साफ कर लिया है, ठीक है। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसी तरह से आप घर में बना सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सब आपकी तारीफ करेंगे। पिछले संडे भी मैंने बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी, सब तारीफ कर रहे थे। इस बारी मज़े की बनेगी। जी हमारे चिकन की बारी आ गई है, तो हम खाते हैं चिकन। और ये देखिए मैंने अपना चिकन कितना साफ तरीके से धोया है, कितना सफेद किया हुआ है, चिकन को बहुत अच्छे तरीके से धोते हैं। चलो हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। है सिंपल तरीका, बस ये है कि एड्रेस की बात होती है सिंपल तरीका जैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और मसाले भी ऐड कर लिए थे मैंने, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और कुटी हुई काली मिर्च। आपको पता है गरम मसाला मैंने पहले ही ऐड कर दिया था तेल में ताकि उसमें खुशबू हो जाए, और चावल बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी बिरयानी। तो जी यहाँ पर अब्बू का भी सालन बना रही थी, अब वो मिर्चों वाला खाना नहीं खाता, सालन नहीं खाता, तो अब्बू के लिए अलग से बना रही थी और अपनी बिरयानी अलग से बना रही थी। और जी मैंने ऐड कर दिया धनिया, हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने साबित ही रखे थे क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है हरी मिर्च, तो वो भी मैंने ऐड किए थे साबित। इनको अच्छी तरह से भून ले, फिर मुझे याद आया था कि पानी ऐड करना है और बाहर चावल पड़े थे जी, उन चावलों को भिगो कर रखना था मुझे, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर पानी ऐड कर दिया जब तक हमारी जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी, बॉयल होगी अच्छी तरह से पानी में मसालों में। तो चलते हैं जी उनको ढक्कन लगा कर बाहर चलते हैं, हम अपने चावल भिगो कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैं चावल भिगोने आई थी, और जी यहाँ पर मैं जैसे अंदर आई तो अम्मी बैठी हुई थी किचन में, कह रही थी कि तुमने मटर नहीं डाले, मटर भी डालो, अब्बू के भी सालन में डाले और अपने लिए भी सालन बिरयानी में डालने के लिए अलग से निकाल रही थी कि उसमें मटर डालो। और ये मेरा भाई छोटा सा, इसके बिना व्लॉग मेरा अधूरा है, ये तो आएगा ही आएगा व्लॉग में। बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है, कैमरे को पकड़ रहा था, कह रहा था मुझे दो। तो जी मैंने इसको एक शॉपर दे दी थी हाथों में, मैंने कहा इसके साथ खेलो, और अम्मी को देख रही थी, मैंने कहा ये क्या कर रही हो, कि ये मटर डाल रही हूँ मैं। तो अम्मी, मेरी अम्मी की भी मैं आपके साथ कभी रेसिपी शेयर करूँगी, सबसे खास रेसिपी है जो साग, मेरी अम्मी के हाथों का साग, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब अम्मी बनाएगी ना, तो मैं आपको अच्छी तरह से तफसील से दिखाऊँगी। बहुत ही अम्मी बनाती है, अम्मी पूरा मोहल्ला अम्मी से लेने आता है साग, जब हमारे घर में साग बनता है अम्मी बहुत ज़्यादा सालन खाना अम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, माशाल्लाह मेरी अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा स्वाद है। तो जी यहाँ पर अम्मी मटर छील रही थी और मैं खड़ी थी, जब अम्मी उठेंगी तो मैंने कहा मैं जाऊँगी किचन में बैठूँगी तो ये गंद उठाऊँगी, सारा सफाई करूँगी। तो फिर मैंने जैसे अम्मी उठी थी तो मैंने सफाई भी कर ली थी, और यहाँ पर अबू का सालन पक रहा था तो मैंने कहा पकने दो उसको,
और अम्मी ने कहा ये शॉपर फ्रिज में रख कर आ, तो मैं इसको फ्रिज में रखने गई थी और ये फ्रिज का जो बॉक्स है वो बंद ही नहीं हो रहा था। और मैंने मटर डाल दिए बिरयानी में, अम्मी ने कहा था डालो और अम्मी को मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आपको कहा था, अम्मी कह रही थी ये दो मिर्चें और भी डाल दो, मिर्चों के बगैर ये सालन अधूरा लगता है। कोई भी चीज़ हो, बिरयानी हो या सालन हो, अम्मी को मिर्चों के बगैर वो चीज़ अधूरी लगती है। और हम स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पर मैं कलर लेकर आई थी जो चावलों में डालेंगे, जिससे हमारे बिरयानी का लुक आएगा, एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आएगा इससे। और मुझे आइडिया आया था कि मैंने कहा कि मैं पहले चावल धोकर आती हूँ, फिर यहाँ पर भिगो कर रखती हूँ पानी में, यहाँ पर मेरे सामने पड़े रहेंगे, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं सालन को देखती हूँ अच्छी तरह से, फिर मैं जाती हूँ चावल को धोने। तो जी यहाँ पर मैं कब से चावल भी धोकर आई थी, भिगो कर मैंने रख दिए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं चावल धोने जाऊँगी, तो मैं धोकर आ गई थी और मैंने अपने सामने भिगो कर रख दिए थे ताकि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। और यहाँ पर मैंने कहा जब तक हम अपने सालन में पानी डाल लेते हैं, फिर हम चावल भी ऐड करेंगे। तो मैंने तब तक मसाला भी ऐड कर लिया था, उसको क्या कहते हैं, बिरयानी मसाला, अजीना, अजीना मोटा। और उसके अलावा मैंने क्या ऐड किया था, हाँ बस यही ऐड किया था और तो कुछ भी नहीं किया था। और जी मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि मैंने लेमन भी डाले थे, एक लेमन डाला था, उसके तीन पीसेस करके मैंने डाले थे, तीन यानी चार पीसेस थे। अम्मी कह रही थी इसके साथ भी टेस्ट आएगा, ये भी डालो, लाजम डालना, तो ये भी मैंने डाले थे। लेकिन कसम से बहुत बहुत यम्मी बने थे, बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। तो जी हम इनको अच्छी तरह से घुमाते हैं। फिर तो यहाँ पर मैं कलर तैयार कर रही थी, मैं सोच रही थी कि अब मैं बस डायरेक्ट आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि चावल तो पानी वैसे भी उठा ही लेते हैं। तो बस मैंने कलर ऐड किया था और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये हमारी बिरयानी का फाइनल लुक था। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।